स्टार्ट किया जाए। अभी अपना आज फाइनल टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का साइकिल एनालिसिस। यहाँ पे अपन देखेंगे एक्चुअली अपना जो इंजन है वहाँ पे जब साइकिल अपनी काम करती है, जैसे ऑटो साइकिल आती है, डीजल साइकिल आती है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि डिसाइड कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को। और जो अपन ने स्टैंडर्ड सीखी थी साइकिल्स, ऑटो साइकिल अपन ने जैसी सीखी, डीजल में जैसा भी अपन ने किया एफिशिएंसी ये सब निकाला था थर्मोडायनामिक्स में, उसमें और एक्चुअल इसमें क्या डिफरेंस आता है और कितने तक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो डिफरेंस है ये आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि सबसे पहले जो अपन साइकिल देखते हैं इसमें वो होती एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो जो स्टैंडर्ड साइकिल होती है उसमें काफी सारे एजम्पशन होते हैं। सबसे पहला एजम्पशन जैसे वहां पे होता है कि जो भी अपना वर्किंग मीडियम है वो एक परफेक्ट गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन को वो फॉलो करता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी को। वहां पे ये भी एज्यूम किया गया है मास में कोई चेंज नहीं होता, जितने प्रोसेस है सब रिवर्सिबल है, हीट का जो भी सप्लाई होगा जो भी रिडक्शन होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। और ये भी एज्यूम किया जाता है कि कोई भी हीट लॉस वहां पे नहीं है। साथ में एक और चीज स्पेसिफाई की जाती है, एक और चीज वहां पे एज्यूम की हुई थी कि जो भी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट का जो भी वैल्यू है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है, पूरे साइकिल के टाइम पे ये कैसा है कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये सब चीजें होती नहीं है। अपना मास भी वहां पे कंटिन्यूअस चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट अपनी कंटिन्यूअस चेंज होती है, फिर जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। अपना हीट जो है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे सप्लाई भी नहीं होता, ना ही कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे रिजेक्ट होता है। तो वो जो स्टैंडर्ड साइकिल है वो सिर्फ अपने एनालिसिस के लिए काफी सारे एजम्पशन पे बेस्ड है, अपनी समझ के लिए कि नहीं एक्चुअल में साइकिल जो है वो काम कैसे कर रही है। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को हटा के अपन ने किया कि एक और साइकिल बनाई थी फ्यूल एयर साइकिल, जो कि एक्चुअल कंडीशन की काफी ज्यादा पास में थी, काफी ज्यादा सिमिलर होती है। इसमें अपन कंसिडर करते हैं जो भी अपना कंपोजिशन है गैसेस का, उस एक्चुअल कंपोजिशन को कंसिडर किया जाता है। जो सबसे मेन कंसिडरेशन वहां पे लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो उसके लिए एक इक्वेशन वहां पे बनाया हुआ है, साथ में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंजेस होते हैं उसको भी फ्यूल एयर साइकिल में कंसिडर किया जाता है। तो फ्यूल एयर साइकिल जो है वो काफी ज्यादा क्लोज होती है अपने से, लेकिन वो भी एक्चुअल नहीं होती। एक्चुअल साइकिल में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। अब ये जो चेंजेस आते हैं ये किस वजह से आते हैं? सबसे पहला चेंज, सबसे पहली बात, जो भी तुमने स्टैंडर्ड साइकिल्स अपन लेते हैं उसमें अपन वर्किंग सब्सटेंस को ये मान के चलते हैं कि वो एक परफेक्ट मिक्सचर बनता है एयर एंड फ्यूल का, यानी कि जो फ्यूल पार्टिकल्स होंगे वो परफेक्टली ऑटोमाइज होंगे और एयर एयर के साथ ऑटोमाइज हो जाते हैं और एक होमोजीनियस वहां पे मिक्सचर अपना बन जाता है। और जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है वो एग्जॉस्ट में पूरी तरह से निकल जाते हैं, अपने साइकिल के टाइम पे कोई भी कंबशन का प्रोडक्ट वहां पे नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा, जो अपना एयर फ्यूल का मिक्सचर है हमेशा होमोजीनियस हो ये जरूरी है नहीं, हो सकता है कुछ कंडीशन में हेटरोजीनियस टाइप का हो, यानी कहीं पे अपने को लीन मिक्सचर मिलेगा, कहीं पे अपने को स्टोइकियोमेट्रिक मिलेगा, कहीं पे हो सकता है अपने को रिच मिक्सचर मिले, यानी कि फ्यूल का क्वांटिटी वहां ज्यादा हो, ऑक्सीजन का क्वांटिटी वहां पे कम हो, ऐसा हो सकता है। या फिर प्लस यहाँ पे ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, जो अपना सक्शन स्ट्रोक चालू होता है, अपने प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन वहीं पर होते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम के टाइम पे, तो वो भी वहां पे मिक्स होते हैं, यानी अपना होमोजीनियस मिक्सचर है ही नहीं। तो ये पहला एक डिफरेंस आ जाता है जिस वजह से अपन ये मान ही नहीं सकते कि अपनी जो एक्चुअल में साइकिल है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है। फिर जो अपना केमिकल कंपोजिशन है वर्किंग फ्लूइड का वो चेंज होता रहेगा, अपनी जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, जो फ्रेश चार्ज अपना इंड्यूस होता है सक्शन के टाइम पे उसके कंपोजिशन में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर भी चेंज होगा, उसका जो भी अमाउंट है अमाउंट भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तुम जिस हिसाब से एक्सेलरेटर देते हो उसके हिसाब से अपने अपना फ्यूल जो है वो इंटेक होगा। फिर जो कंबशन होता है, कंबशन वहां पे स्टैंडर्ड साइकिल में ये मान के चला जाता है कि वहां पे इंस्टेंटेनियस है, विद इन इंस्टेंट वहां पे कंबशन हुआ। लेकिन अपन ने साइकिल की जो स्टडी की उसमें अपन ने देखा कंबशन कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस है नहीं, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि वो एक प्रोग्रेसिव टाइप की कंबशन जो है वहां पे होने वाला है।
हीट का ट्रांसफर होता है। अब ये जो हीट का ट्रांसफर होता है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हीट एनर्जी पूरी तरह से अपने मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई है, काफी काफी ज्यादा हीट एनर्जी अपनी लॉस भी हो जाती है। फिर अपने को सक्शन हो या एग्जॉस्ट हो दोनों के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो एग्जॉस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सपेंशन जब खत्म होने वाला होता है उसके थोड़ा सा पहले अपन एग्जॉस्ट वॉल को ओपन कर देते हैं, जिसको अपन कहते हैं एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। वो कहलाता है अपना एग्जॉस्ट ब्लो डाउन, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो, अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है वो बाहर निकल जाए। तो इसकी वजह से भी अपनी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी कम होती है। फिर कई बार इंजन में गैस में लीकेज हो जाता है, जो अपने मूविंग पार्ट्स है वहां पे फ्रिक्शन होता है, जो पावर आउटपुट अपने प्रोड्यूस किया है काफी सारे सिस्टम में जिनको चलाने के लिए अपने को वो एज ए इनपुट देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल साइकिल में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इन फैक्टर्स को बेसिकली अपन ने सम अप किया हुआ तीन पॉइंट्स में। वो तीन पॉइंट होते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है अपने पास टाइम लॉस फैक्टर, सेकेंड होता है हीट लॉस फैक्टर, और थर्ड होता है एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। टाइम लॉस फैक्टर यानी कि सपोज तुम्हारे डीजल इंजन है, अब डीजल इंजन में अपन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद अपन कहते हैं कि वो कंबस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। लेकिन कंबस्शन से पहले उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए एयर के साथ मिक्स होने में, साथ में जो कंबस्शन है वो भी अपना इंस्टेंटेनियस नहीं है, वो भी कैसा है, प्रोग्रेसिव है, थोड़े टाइम तक वो चलेगा। तो इन सब चीजों में टाइम लगता है। तो ये टाइम की वजह से जो भी अपनी एफिशिएंसी में लॉस होगा, जो अपने वर्क आउटपुट में लॉस होगा, उसको अपन काउंट करते हैं किसमें, टाइम लॉस फैक्टर में। फिर एक होता है हीट लॉस फैक्टर, जितना भी हीट यहाँ पे जनरेट हुआ है एज इट इज टोटल वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता। अपन ने जब न्यूमेरिकल देखा था, न्यूमेरिकल में तीन टाइप की पावर अपन ने देखी, एक थी अपने पास इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड यानी कि वो हीट एनर्जी जो अपने को पिस्टन पे अवेलेबल है जिसको अपन आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक अपने को मिली गेट पावर बीपी, यानी कि जो अपने को एक्चुअल में आउटपुट मिला है पिस्टन के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्या था, फ्रिक्शनल पावर, यानी कि कुछ हीट एनर्जी जो है वो लॉस हो गई, वो पूरी तरह से अपने पावर में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो इस टाइप का जो भी लॉस होगा उसको अपन काउंट करेंगे किसमें, हीट लॉस फैक्टर में। और लास्ट जो अपन ओपन कर एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर रहे कि नहीं, अपने प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन सही से निकल जानी चाहिए प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करते हुए, उसकी वजह से भी अपना जो वर्क आउटपुट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, अपनी एफिशिएंसी वहां पे कम हो जाती है। तो उनको काउंट किया जाता है एग्जॉस्ट ब्लो डाउन फैक्टर में। तो ये तीन फैक्टर होते हैं जो कि अपने एक्चुअल इंजन की परफॉर्मेंस को डिसाइड करने वाले होते हैं। जैसे अगर अपन टाइम लॉस फैक्टर पे आते हैं, एक एक फैक्टर को डिटेल में देखते हैं। जैसे अपना सबसे पहला फैक्टर होता है टाइम लॉस फैक्टर। अब स्टैंडर्ड साइकिल में अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हीट एडिशन हुआ है, जो भी कंबशन हुआ है, वो विद इन इंस्टेंट हुआ। विद इन इंस्टेंट हुआ यानी जैसे पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में अपन ने स्पार्क प्लग को फायर किया, जैसे ही फायर किया उसी टाइम पे जितना फ्यूल था वो पूरा का पूरा कंबस्ट हो गया। या फिर डीजल इंजन है, जैसे ही मैंने वहां पे फ्यूल को इंजेक्ट किया विद इन सेकेंड्स वो पूरा का पूरा कंबस्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये चीजें नहीं होती, एक्चुअल में अपने को पता है कि नहीं, फ्यूल जब इंजेक्ट होगा डीजल इंजन में पहले वो एयर के साथ मिक्सिंग के लिए टाइम लेगा, उसके बाद उसका कंबशन होगा जिसमें अपने को टाइम लगता है। तो ये जो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, इस टाइम में अपना जो पिस्टन है उसका मूवमेंट हो चुका होता है। यानी अपन ये मान के चलते थे पहले कि नहीं, पिस्टन जब टीडीसी के ऊपर आएगा तब अपना कंबशन होगा, विद इन सेकेंड अपने को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मिल जाएगा जिसकी वजह से पिस्टन एकदम से नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जो पीक प्रेशर है, जो हाई प्रेशर है वो मिलेगा तो सही, लेकिन जब पिस्टन टीडीसी पे होगा उस टाइम पे नहीं मिलेगा। यानी कि जो एक्चुअल साइकिल है, एक्चुअल में मुझे प्रेशर जो है वो यहाँ पे मिल जाना चाहिए था, ठीक है, इस वैल्यू पे मिल जाना चाहिए था, एकदम हाई वैल्यू पे, ये थ्योरेटिकल साइकिल है। लेकिन एक्चुअल में अपने को कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट सी पे अपना जो मैक्सिमम प्रेशर है वो भी कम मिल रहा है, और वो भी अपने को टीडीसी पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब अपना एक्सपेंशन चालू हो चुका है, एक्सपेंशन चालू होने के बाद अपने को ये मिलता है मैक्सिमम प्रेशर।
तो इस वजह से जो अपना मैक्सिमम प्रेशर का वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। इस वजह से कम हुआ ये टाइम लॉस फैक्टर की वजह से, जो टाइम अपना मिक्सिंग में गया, जो अपने कंबशन में गया, उसकी वजह से ये हुआ है। अब इसमें तुम एक काम कर सकते हो, जैसे तुम्हें कंबशन चाहिए कि नहीं, या मुझे टीडीसी पे ही मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, तो तुम एक काम कर सकते हो, जो कंबशन है, कंबशन कब चालू कर दो, जब अपना कंप्रेशन चालू है, कंप्रेशन खत्म होने से थोड़े टाइम पहले अपना कंबशन चालू कर दो, जो अपन जनरली कर रहे हैं, जो अपन थ्योरेटिकली देखे, जो स्ट्रोक्स में देखा था, बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक कंबशन स्टार्ट, वो किस लिए होता है, वो इसके लिए होता है कि अपने को जो पीक प्रेशर है, जो मैक्सिमम प्रेशर है, वो मिलना चाहिए, और वो एक्सपेंशन साइकिल के दौरान, यानी कि पावर स्ट्रोक के टाइम पे ही मिलना चाहिए। अगर अपन ने वैसा नहीं किया, उस चीज को कहते हैं अपन स्पार्क एडवांस, कि नहीं अपना पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा भी नहीं है, लेकिन अपन ने उसको बर्न कर दिया। थ्योरेटिकली वो टीडीसी पे पहुंचना चाहिए था, उसके बाद बर्निंग होनी चाहिए थी, लेकिन अपन क्या करते, टीडीसी पे पहुंचने से पहले उसको बर्निंग जो है दे देते, उसका कंबशन जो है वो चालू हो जाता है। उस चीज को अपन क्या कहते हैं, स्पार्क एडवांस। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, तुम्हें जो मैक्सिमम प्रेशर मिलना चाहिए वो अपने को पावर स्ट्रोक में मिलेगा, हालांकि अभी भी वो टीडीसी पे ही मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, टीडीसी के बाद ही मिलेगा, क्योंकि कंबशन कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो टीडीसी के बाद ही मिलेगा। लेकिन इसका बेनिफिट तुम्हें यह मिल जाएगा कि जो अपना पावर स्ट्रोक है उसी टाइम पे तुम्हें मैक्सिमम प्रेशर जो है वो मिल जाता है। अगर तुम सोचोगे कि नहीं, पिस्टन में टीडीसी पे पहुंच जाए, उसके बाद में कंबशन को चालू करो, तो उस केस में क्या होगा, फ्यूल बर्न होने में टाइम लगेगा, बर्न होने में टाइम लगा तो क्या होगा, अपना एक्सपेंशन स्ट्रोक जो अपन कहते हैं वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर अपने को मिलेगा, कब, जब अपना एग्जॉस्ट चालू होने वाला होगा। तो वो चीज ना हो, अपने को मैक्सिमम प्रेशर कब मिल जाए, पावर स्ट्रोक के टाइम पे ही मिल जाए, अपने एक्सपेंशन के टाइम पे ही मिल जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो कंबशन है उसको कंप्रेशन एंड होने के थोड़ा सा पहले अपन चालू कर देते हैं, ताकि अपने अपना जो मैक्सिमम प्रेशर है वो टीडीसी के टाइम पे मिल जाए, और अपने को ज्यादा से ज्यादा पावर आउटपुट जो है वो मिल सके। फिर इसी में एक और चीज होती है, कंपोजिशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। अब साले स्टैंडर्ड साइकिल में ये मान के चले गए थे कि जितने भी मिक्सचर अपने बनते, वर्किंग फ्लूइड का बना, अपना इसका बना, एग्जॉस्ट का बना, सब कुछ होमोजीनियस है, पर ये होमोजीनियस होता नहीं है। होमोजीनियस क्यों नहीं होता, क्योंकि जब अपना सक्शन यहाँ पे चालू हुआ है, उस टाइम पे अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन भी सिलेंडर के अंदर है, कुछ अमाउंट में ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वहां पे भी होते हैं, जिनको पुश आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सक्शन। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके अंदर अपने जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स है वो भी है, जो बर्न प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो भी है, हो सकता है यहाँ पे CO कार्बन मोनोक्साइड तुम्हें मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिले, हो सकता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए। तो अपन ये तो बोल ही नहीं सकते कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस मिक्सचर है नहीं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, मिक्सचर होमोजीनियस चाहिए, इसलिए तुमने क्या किया, एग्जॉस्ट वॉल्व को थोड़ा सा पहले ओपन किया, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वहां से चले गए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कहाँ पे, अपने क्लियरेंस वॉल्यूम में, यानी कि जब पिस्टन अपना टीडीसी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम होता है वो होता है अपना क्लियरेंस वॉल्यूम, वहां पे कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एंट्रैप होता है, जो कि फ्रेश चार्ज जब अपन अंदर लेके आएंगे वो अपना फ्रेश चार्ज उसको पुश आउट करता है। तो यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल है कि अपने पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होगा कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो बनना चाहिए वो प्रॉपर्ली बन सके, क्योंकि अपन उसमें नहीं चाहते कि पार्शियली अपने पास कार्बन मोनोक्साइड आ जाए या CO2 ये सब आ जाए, नहीं तो उसका एक पैकेट वहां पे बन जाएगा, एकदम से बर्निंग वहां पे होगी, एकदम से बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वहां पे होगा, डिटोनेशन, यानी कि इंजन जो है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो वैसा कुछ अपने को चाहिए नहीं, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम जो है वो वहां पे होता है। तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपना जो है काम यहाँ पे हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये टाइम सफिशिएंट नहीं हुआ तो कई केसेस में अपने पास हो जाएगा कि ऑक्सीजन अपने पास ज्यादा अमाउंट में बच गया, कुछ केसेस में ऐसा हो जाएगा अपने को कार्बन मोनोक्साइड
जो है वो कंबशन चैम्बर में अपने को दिखाई दे रहा है, कहीं पे तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है, कहीं पे नाइट्रोजन मिल रहा है। तो इन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्लाइटली लीन मिक्सचर जो अपन फ्यूल लेते हैं, फ्यूल अपना कैसा होना चाहिए, स्लाइटली लीन, यानी कि उसमें जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, फ्यूल के पास तो सफिशियंट ऑक्सीजन रहेगा बर्न होने के लिए, अब वो इजीली आराम से जो है बर्न हो भी जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा लीन मिक्सचर नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि फ्यूल की क्वांटिटी बहुत कम है, एयर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं चाहिए। ऐसा किया तो काफी ज्यादा अमाउंट में अपना ऑक्सीजन वहां पे रह जाएगा, वैसा भी नहीं चाहिए। स्लाइटली लीन, थोड़ा सा लीन, जैसे 14:1 का वैल्यू ठीक है, तुम 12 या 13 पे लेके आ जाओ उसको, ताकि अपना फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न हो सके। और रिच मिक्सचर अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए एज अ फ्यूल, अगर वो है इसका मतलब है वहां पे नेसेसरी ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है उसको बर्न करने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है सफिशियंट अमाउंट में, यानी कि वो फ्यूल जो है वो अनबर्न रहेगा। और जो तुम व्हीकल में देखते हो ना, ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है कई बार, वो होता है अनबर्न फ्यूल की वजह से, वैसा स्मोक आता रहेगा, अपनी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये वाला जो सिस्टम है एग्जॉस्ट कंपोजिशन, इसको थोड़ा सा होमोजीनियस बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, स्लाइटली लीन मिक्सचर जो है वो यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। एकदम स्टाइकियोमेट्रिक मिक्सचर पे अपन यूज नहीं करते। स्टाइकियोमेट्रिक यानी जहाँ पे एयर का क्वांटिटी और फ्यूल का क्वांटिटी, एयर का क्वांटिटी जस्ट सफिशियंट है कि वो जितना भी फ्यूल है उसको बर्न कर दे, स्लाइटली अपन लीन मिक्सचर जो है वो यहाँ पे रखने वाले हैं। फिर सेकेंड फैक्टर होता है तुम्हारे पास हीट लॉस फैक्टर। अब कंबशन के टाइम पे क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, ये जो हीट यहाँ पे जनरेट हुई ये तुम्हें पिस्टन पे मिली, जिसको अपन इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड एनर्जी कहते हैं, इसी को अपन कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल आउटपुट में, जिसको अपन कहते हैं ब्रेक पावर या फिर ब्रेक एनर्जी जो अपने को मिलती है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। लेकिन अब इसके बीच में अपने को काफी ज्यादा डिफरेंस होता है कि हीट लॉसेस यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। कुछ हीट एनर्जी जो यहाँ पे जनरेट हुई है वो सिलेंडर वॉल्स में जाती है, कुछ अपनी कूलिंग सिस्टम में चली गई, कुछ तुम्हारे पिस्टन हेड में चली गई, कुछ पिस्टन से होते हुए लुब्रिकेटिंग ऑयल में चली गई है। तो काफी सारे लॉस यहाँ पे जो है वो हो गए। अब हीट लॉस अगर कंबशन के टाइम पे हुआ, यानी जब सिलेंडर वॉल के टाइम पे हो गया, तब तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देगा अपनी साइकिल एफिशिएंसी पे। लेकिन अपने को पता है यार, कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जो है वो लॉस होनी ही होनी है, अबाउट 15% ऑफ हीट जो है वो अपनी लॉस हो ही जाती है। कि एकदम परफेक्ट सिस्टम अपन बना नहीं सकते, ऐसा कोई भी सिस्टम अपन बना नहीं सकते जिसका एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। हालांकि अगर तुम कभी किसी टाइम पे आगे जाके ऐसा कोई इंजन डिजाइन कर पाओ जिसमें कोई भी हीट लॉस ना होता हो, तब तुम्हारे जो यूजफुल वर्क आउटपुट है वो ऑलमोस्ट 20% से तुम इंक्रीज कर पाओगे। अबाउट 15% जो है वो टोटल हीट का लॉस हो रहा है तुम्हारे कंबशन और एक्सपेंशन के टाइम पे, लेकिन अगर ये लॉसेस को तुम कम कम कर डालो, एकदम से खत्म कर दो, आगे कभी जाके कभी तुमने कोई रिसर्च किया, कोई एकदम नया डिजाइन बना लिया, तब ये पॉसिबल है कि जो वर्क वर्क आउटपुट है या फिर जो एफिशिएंसी है उसको तुम अबाउट 20% जो है इंक्रीज कर सकते हो। ये तो हीट लॉस होता है, इसकी वजह से अपना जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर कम हो गए तो तुम्हारी जो स्पेसिफिक हीट है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो टोटल जितने भी लॉसेस अपने पास होते हैं इन किसी भी आईसी इंजन में, उनमें से 12% जो है वो हीट लॉस में जाते हैं। हीट लॉस में यानी कोई जितना भी हीट है वो अपने सराउंडिंग में या फिर कहीं और लीक हो जाती है। फिर आता है तुम्हारे पास एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। अब ये जो लॉस होता है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अपन ने एग्जॉस्ट वॉल्व का एक्सपेंशन खत्म होने से पहले ही ओपन किया हुआ है। क्यों ओपन किया हुआ है, क्योंकि अपने को एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए जिससे कि अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वहां पे बाहर निकल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा अगले इसमें बताता हूँ। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ कंबशन अपन चाहते पूरी तरह से बाहर चले जाए, इसलिए एक प्रेशर डिफरेंस अपने को चाहिए, जिसके लिए अपन एग्जॉस्ट वॉल्व को एक्सपेंशन के टाइम पे ही ओपन कर लेते हैं। उसके टाइम पे तुमने ओपन कर लिया,
यानी कि मतलब क्या है, जो अपने को एक्सपेंशन के लिए पियाशम में लगा था उस पियाशम में कुछ कमी आ गई, कुछ कमी आ गई यानी कि अपना जो वर्क आउटपुट है वो कुछ अमाउंट से यहाँ पे कम हो गया। लेकिन इसको मिनिमाइज करने के लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो मैं एग्जॉस्ट ब्लो डाउन जो स्टेज है वो कैरी आउट करनी है, ताकि अपना फ्रेश चार्ज जब आए वहां पे अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन के साथ वो मिक्स ना हो सके। इसके अलावा एक और लॉस होता है जो कि होते हैं अपने अनअकाउंटेड लॉसेस, जिनको अपन कहते हैं फ्रिक्शन लॉस। जितना भी जो अपने मूविंग पार्ट है, पिस्टन है, सिलेंडर है, क्रैंकशाफ्ट है, इनमें फ्रिक्शन आएगा, तो ये फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होंगे। प्लस अपने जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, जो कूलिंग वाटर का पंप है, जो इग्निशन सिस्टम है, रेडिएटर का फैन है, सुपर चार्जर है, बैटरी सिस्टम है, इनको अपने को अलग से पावर इनपुट देना, ये पावर कहाँ से दोगे तुम? जो इंजन में पावर जनरेट हुई उन्हीं में से दिया जाता है। अब उनमें से दिया गया यानी अपना जो यूजफुल आउटपुट था वो कम हो गया। तो ये इस टाइप का जितना भी लॉसेस अपन काउंट करते वो किसमें काउंट किया जाता है? अपने फ्रिक्शन लॉसेस में। तो ये चार टाइप के अपने पास लॉस होते हैं। एक हो गया तुम्हारे पास टाइम लॉस, टाइम लॉस फैक्टर, हीट लॉस फैक्टर, एग्जॉस्ट ब्लो डाउन और अपना फ्रिक्शन लॉस। अब इसके हिसाब से अगर तुम एफिशिएंसी देखो, अगर ये टेबल देख पा रहे हो, इस टेबल में देखो, अगर अपन स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी की बात करें, स्टैंडर्ड साइकिल के टाइम पे एफिशिएंसी थी 56.5%। ये अपन पेट्रोल इंजन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। स्टैंडर्ड एफिशिएंसी थी अपनी 56.5%। अब इसमें अपन ने बहुत सारे अजम्पशन लिए थे, अपना वर्किंग फ्लूइड परफेक्ट गैस है, स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट है, कोई हीट लॉस नहीं है, ये सब फालतू के अजम्पशन लिए हुए थे। इसमें से दो अजम्पशन कम किए कि स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है और केमिकली वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अपने को मिली फ्यूल एयर साइकिल। जो सेकंड साइकिल अपने को मिलती वो होती है फ्यूल एयर साइकिल, जिसमें अपन ये कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ भाई अपनी जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो वहां पे एफिशिएंसी थोड़ी और कम हो गई अपनी 43.5%। फिर जो अपन एक्चुअल में ये जितने लॉसेस अपन ने देखे, हीट लॉस, ब्लो डाउन, फ्रिक्शन पंपिंग, इन सबको जब काउंट करो उसके बाद तुम्हें एक्चुअल एफिशिएंसी मिलती है, जो कि मिलती है तुम्हें 28.5%। यानी अपनी जो एक्चुअल एफिशिएंसी होगी वो हमेशा स्टैंडर्ड से कम आएगी। कभी न्यूमेरिकल में आ गया कि एक्चुअल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऐसे दी हुई है, तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स वाला स्टेटमेंट बता दो। मान लो उसने बोला स्टैंडर्ड एफिशिएंसी तुम्हारी 56% है, तुम्हारी एक्चुअल एफिशिएंसी इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी? तो ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, एक्चुअल एफिशिएंसी हमेशा कैसी होगी? इससे कम होगी। जितना भी स्टैंडर्ड बोला होगा उससे कम अपने को एक्चुअल में एफिशिएंसी मिलती है। और इसके अलावा काफी सारे अपने ड्राइविंग कंडीशंस भी होती है जिसके ऊपर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो ये पॉइंट्स तो होते हैं अपने इसमें कि एक्चुअल में अपनी जो साइकिल है उसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स जो है इफेक्ट डालते हैं। फिर तुम्हें एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली अपने को ब्रीथिंग एबिलिटी बताती है किसी भी इंजन की। इसको अपन डिफाइन करते हैं बाय द रेशियो ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द सिलेंडर, स्वेप्ट बाय द इंजन। तुम्हारा कोई भी इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, गैस हो, डीजल हो, या फिर कोई और इंजन ले लो, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में हमेशा तुम क्या कंसिडर करने वाले हो? वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर। फ्यूल को उसमें कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि अपने को एयर का एफिशिएंसी यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर ये डिपेंड करती वो होती है डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज। तो अब ये जो डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज है, डेंसिटी के ऊपर काफी ज्यादा ये डिपेंड करती है। तो मान लो आपने जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो पूरी तरह से बाहर निकले हुए नहीं है, वो कहाँ पे? अभी क्लियरेंस वॉल्यूम पे। उसी टाइम पे अपना सक्शन जो है वो चालू हो गया, अपना जो फ्रेश वर्किंग फ्लूइड था वो अंदर आना चालू हो गया। चालू होने के बाद क्या होगा? अब वो एग्जॉस्ट के साथ मिक्स होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन अभी भी वहीं पे, उनको हालांकि उसे पुश आउट करना है, लेकिन हो सकता है वो पुश आउट नहीं कर पाए, या फिर पुश आउट कर पाए तो भी उनके आपस में कुछ हीट का एक्सचेंज वहां पे हो जाएगा।
इसकी वजह से जो भी अपना चार्ज इंटेक हुआ वो क्या होगा, हीट अप होगा। हीट अप हुआ यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया यानी कि उसका जो मास है वो कम हो जाएगा। जैसे ही उसका मास कम हुआ तुम्हारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर आता है फ्रेश चार्ज का वो टेम्परेचर अपना कम होना चाहिए, प्रेशर उसका ज्यादा होना चाहिए। उसका टेम्परेचर कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो अपन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फ्रेश चार्ज जो है अंदर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए जो मल्टी सिलेंडर इंजन थे अपन ने वहां पे सीक्वेंस बनाया था, वो सीक्वेंस इसके लिए बनाया कि नहीं अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वहां पे रहता है उसको निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है, आए तो वहां पे क्यों वेट करें, उससे अच्छा अपन दूसरे सिलेंडर में साइकिल अपनी चालू कर देते हैं। दूसरे सिलेंडर की साइकिल खत्म होगी उसके बाद यहाँ पे आएंगे तब तक अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जा चुके होंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तुमने वहां पे एक सीक्वेंस दिया हुआ। फिर मान लो अभी भी फ्रेश चार्ज आ गया वो एग्जॉस्ट के साथ मिक्स हो गया, अब उसको एग्जॉस्ट को बाहर पुश आउट करना था लेकिन कुछ अमाउंट में जो एग्जॉस्ट की गैसेस है वो वहीं पे रह गई, वो बाहर नहीं निकल पाई। तो अब क्या होगा, अब ये होगा जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, जब अपना पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, वापस सक्शन चालू है सक्शन में नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाएगा तो वहां पे जितना भी चार्ज आता है वो एक्सपेंड होता है। अब ये एक्सपेंशन में क्या होगा, तुम्हारी जो अगर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वहां पे है तो ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन भी वहां पे एक्सपेंड होंगे, वहां पे वो एक्सपेंड हुए यानी कि वो एक काफी ज्यादा वॉल्यूम जो है कवर कर लेंगे, तो जो तुम्हारा इनकमिंग चार्ज है उसके लिए वहां पे स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगी, उसके लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो गई, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, वापस से एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब अपना फ्रेश चार्ज अंदर आया उसके बाद अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बाहर निकल जानी चाहिए, अपना जो इनटेक और एग्जॉस्ट का डिजाइन है वो इस टाइप से अपने को बनाना है कि इनटेक के टाइम पे भी मैक्सिमम अमाउंट में चार्ज अपना अंदर आना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी बैरियर वहां पे नहीं होना चाहिए इनटेक के टाइम पे। साथ में एग्जॉस्ट जब निकल रहा है, जब अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बाहर जा रहा है, वहां पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन अपने पास नहीं होना चाहिए, वहां पे भी कोई बैरियर अपने पास नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें इंजन को डिजाइन करते टाइम, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे इंजन के शेप और साइज के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, तुम किसी भी शेप का बनाओ किसी भी साइज का बनाओ कितने भी नंबर ऑफ सिलेंडर्स वहां पे डाल दो, इन सब में लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये चीज का हमेशा ध्यान में रखना, जब भी इंटेक एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बनाओगे इस टाइप से बनाना कि इंटेक चार्ज के लिए भी कोई बैरियर ना हो और जो एग्जिट हो रहा है उसके लिए भी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। फिर जो अपने कैम सिस्टम्स है, जो वॉल्व सिस्टम्स है, वॉल को एक फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम लगता है स्मूथ ऑपरेशन के लिए। जैसे मान लो एग्जॉस्ट अपने को करना है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बाहर फेंकना, ऐसा नहीं होगा कि वॉल तुमने ओपन किया और इमिडिएटली तुम उसको क्लोज कर दो, ऐसा अगर किया तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है वो बाहर जा ही नहीं पाएंगे, तो उसको एक डेफिनेट टाइम चाहिए कि एक फाइनाइट टाइम तक वो ओपन रहे और उस ओपनिंग के टाइम पे क्या हो अपने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है वो बाहर निकल जाए, तो एक डेफिनेट टाइम एक फाइनाइट पीरियड के लिए वो ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, जो कैम एंड फॉलोवर के सिस्टम तुमने लगाया हुआ है वॉल की ओपनिंग के लिए, अपन क्या लगाते हैं कैम एंड फॉलोवर सिस्टम जो है वो वॉल ओपनिंग के लिए लगाया जाता है, उसकी जो सेटिंग्स है वो तुम्हें काफी ज्यादा ऑप्टिमम रखनी होगी जिससे कि वो फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन हो सके। तो ये जितने लॉसेस अपन ने देखे सेम टाइप के लॉसेस तुम्हें सीआई इंजन में भी देखने को मिलेंगे, हालांकि जो सीआई इंजन होगा वहां पे अपने लॉसेस जो है वो थोड़े से कम होंगे, मेन लॉस वहां पे जो होने वाला है वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होगा, वहां पे मेन लॉस किस वजह से होगा, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। वहां पे तुम डीजल साइकिल में ये मान के चलते थे कि नहीं अपना जो भी बर्निंग है जो भी हीट सप्लाई होगी वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होगी, लेकिन एक्चुअल साइकिल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल साइकिल में प्रेशर अपना चेंज होता रहता है, कहां तक होगा जो अपना एक्सपेंशन चालू हो जाएगा उसके बाद भी कंबशन वहां पे चालू है, उसके बाद भी उसके प्रेशर में चेंजेस जो है वो चालू है, तो
तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, डीजल साइकिल का दूसरा नाम ही है अपने पास कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, लेकिन वैसे कोई भी चीज अपनी यहाँ पे नहीं होती। साथ में यहाँ पे तुम्हें हीट ट्रांसफर के लिए अलाउंस देना पड़ेगा, कंबशन के लिए टाइम देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जो रेशियो आएगा एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के बीच में वो अबाउट 0.85 का आएगा, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ लॉसेस जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, हमेशा से तुम्हारे जो CI इंजन रहे हैं वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है स्टार्टिंग से ही। सिर्फ वहां पे एक प्रेशर का टर्म है, एक इनकम्प्लीट कंबशन है, जिसकी वजह से वहां पे एफिशिएंसी जो है अपनी लॉस होने वाली है। बाकी ये जो पॉइंट्स अपन ने की, ये पॉइंट्स एज इट इज वहां पे भी अपने को देखने को मिलेंगे। सर एक बेसिक क्वेश्चन, हाँ 8 मिनट।